वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और ये हमारी यूट्यूब के ऊपर एकमात्र ऐसी सीरीज है जो टॉप 1000 बायोलॉजी के प्रश्न हम जो है रिवीजन कर रहे हैं। तो आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है। आज फिर मैं इसको इस माध्यम से लेकर आ रहा हूँ, थोड़ा नेट की प्रॉब्लम के चलते जो है लाइव हम नहीं आ पा रहे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में आपके टोटल 100 प्रश्न हैं और इस वीडियो के बाद तकरीबन आपके 450 प्लस प्रश्न की जो है रिवीजन हो जाएगी, ठीक है, यदि आप इस वीडियो से इस सीरीज से जुड़े हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कीजिए एनकरेज करने के लिए, ताकि और सब्जेक्ट की मैं वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूँ। ज्योग्राफी की भी लगभग जो है मैंने सीरीज़ तैयार कर ली है आपके लिए 1000 क्वेश्चंस की ज्योग्राफी की, वो भी मैं आपके लिए जल्द लेकर आऊँगा यदि आपका इन सीरीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा रहा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, तो वो होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट इज ऑप्शन 3 है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट इज ब्लड कैंसर इज कॉमनली नोन एज, ब्लड कैंसर को कॉमनली हम क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया उसको हम बोलते हैं। सो ऑप्शन 2 है आपका राइट आंसर। ये हम काफ़ी बार जो है हमारी प्रीवियस वीडियोज जो मैं करवा चुका हूँ बायोलॉजी की उसमें कर चुके हैं। इन विच ऑफ फॉलोइंग मल्टीपल एपिडर्मिस इज फाउंड, मल्टीपल एपिडर्मिस किस में पाया जाता है। नीरियम एक श्रब होता है जिसे एंटी एजिंग क्रीम या फिर एंटी एजिंग लोशन जो है तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, नीरियम है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर कौन सी फेज में होती है आपको बताना है। जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो होती है पैकेटिंग फेज में, मियोसिस का थर्ड फेज होता है। ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे कहते हैं इकोलॉजी। यहाँ पर जो डेफिनेशन वो आपसे पूछ रहा है वो इकोलॉजी की डेफिनेशन पूछ रहा है। नेक्स्ट वेयर डज द कैबेज स्टोर फूड, जो गोभी होती है वो अपना फूड कहाँ पर स्टोर करती है, बेसिकली वो लीव्स जो उसके पत्ते होते हैं। ऑप्शन 1 इसका है राइट आंसर, पत्ते लीव्स। नेक्स्ट इज स्टेमन, स्टेमन क्या होता है, स्टेमन होता है मेल फर्टिलाइजिंग ऑर्गन ऑफ फ्लावर, ठीक है। स्टेमन्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर बाय देयर एंथर्स एंड आल्सो विद पेटल्स इन, किस में होते हैं ये फ्यूज्ड आपको बताना है। ये होते हैं कंपोजिट, ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर, कंपोजिट। नेक्स्ट इज कपलिंग एंड रिपल्शन आर द टू स्टेट्स ऑफ, जो कपलिंग एंड रिपल्शन है वो दो स्टेट हैं किसके, लिंकेज के। ऑप्शन 1 है इसका राइट आंसर, लिंकेज। नेक्स्ट इज द प्लांट्स विच ग्रो अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन डेजर्ट कंडीशंस ऑफ डेजर्ट आर, ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं। द प्लांट विच ग्रो अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन डेजर्ट, उन्हें हम बोलते हैं जेरोफाइट। ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर, जेरोफाइट। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ फ्रूट ऑब्टेन फ्रॉम अ मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस जाइनीसियम, जाइनीसियम क्या होता है, फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, उसे हम क्या बोलते हैं, जाइनीसियम। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 होगा इसका राइट आंसर, जो टाइप ऑफ फ्रूट होता है वो एग्रीगेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्लेटलम इज फाउंड इन, क्लेटलम क्या होता है, क्लेटलम जो पाया जाता है अर्थवोम में, क्लेटलम यहाँ पर इज अ थिक सेडल लाइक रिंग फाउंड इन द एपिडर्मिस स्किन ऑफ द वर्म। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर, अर्थवर्म। यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर है, ये है क्लेटलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है। ट्यूबर ऑफ स्वीट पोटैटो इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, वाइटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज एन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन, क्या होता है, आयरन होता है हीमोग्लोबिन के अंदर। नेक्स्ट है इन अ पोल्ट्री यूनिट द फैक्टर मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग द कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ, कोई भी पोल्ट्री फॉर्म आप खोलते हैं तो उसमें जो कॉस्ट ऑफ फीड होती है, खाने का जो खर्चा होता है, दैट मैटर्स। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इकोसिस्टम।
मायोपिया इज अ डिजीज कनेक्टेड विद, मायोपिया डिजीज जो है कनेक्ट किससे है, आंखों की डिजीज होती है, ये तो सिंपल सा प्रश्न है। लॉज ऑफ हेरिडेटरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय, लॉज ऑफ हेरिडेटरी को सामने किसने रखा था, जॉर्ज मेंडल ने, ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर जॉर्ज मेंडल। द एंडेंजर्ड स्पीसीज आर लिस्टेड इन व्हाट कलर डाटा बुक, रेड कलर डाटा बुक जो होती है उसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज को रखा जाता है, ऑप्शन ट्रू है इसका राइट आंसर। डिसीडियस जो पतझड़ी पेड़ होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो हर साल झड़ते हैं, तो मैं कह सकता हूँ शेड देयर लीव एवरी ईयर मीन्स एनुअली आप कह सकते हो। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, आपको बताना है। देखिए डिकम्पोज होने के लिए हमें बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है, सो दैट वाई ऑप्शन टू इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन विल लीड टू, सेल्फ पॉलिनेशन जो लीड करेगा वो इनब्रीडिंग को लीड करेगा, इनब्रीडिंग उसका रिजल्ट होगा। इनब्रीडिंग की डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इनब्रीडिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द मैटिंग और ब्रीडिंग ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिज्म दैट आर क्लोजली रिलेटेड जेनेटिकली। द ओल्ड एंड वॉर्न आउट रेड ब्लड कॉर्पल्स आर डिस्ट्रॉयड इन, तो कहाँ पर खत्म होते हैं, जो डेड आप रेड ब्लड सेल कह सकते हो वो होते हैं स्प्लीन में, ऑप्शन फोर है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट इज द नॉन ग्रीन हेटीरियोट्रॉफिक प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम आर, कौन सा है, फंगी है, ऑप्शन फोर है इसका राइट आंसर, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट इज हाइड्रोपोनिक इज अ मेथड ऑफ कल्चर ऑफ प्लांट विदाउट यूजिंग, हाइड्रोपोनिक में हम वाटर का यूज करते हैं मीन्स जो न्यूट्रेंट्स का सोल्यूशन यूज करते हैं फसलें उगाने के लिए, पेड़ पौधे उगाने के लिए, जो सॉयल का यूज हम नहीं करते, ऑप्शन फोर है इसका राइट आंसर विदाउट यूजिंग सॉयल। क्लोरोफिल कंटेन, क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में, ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर। टेबल शुगर विच इज विच टाइप ऑफ शुगर, टेबल शुगर जो होती है सुक्रोज, ऑप्शन फोर है इसका राइट आंसर, टेबल शुगर को सुक्रोज बोलते हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक थैलोपाइड्स इज कॉल्ड, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक थैलोपाइड उसे बोलते हैं एल्गी, ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर एल्गी। नेक्स्ट इज इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस, जो किडनी होती है वो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन होता है वाटर बैलेंस के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर। एन ऑर्गेनिज्म विच कैन मोनिटर एयर पोल्यूशन उसे बोलते हैं लिचेन, ऑप्शन टू इज द राइट आंसर लिचेन। नेक्स्ट इज लैक्टोजेनिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, लैक्टोजेनिक हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन सिक्रेट बाय पिट्यूटरी, ऑप्शन फोर है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट इज फोटोट्रॉफिक मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय, फोटोट्रॉफिक मूवमेंट किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, ऑक्सिन, ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर ऑक्सिन। नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग थ्री आर रिगार्डेड एज एनवायरमेंट फ्रेंडली, रिड्यूस रियूज रिसाइकल आर द थ्री आर विच रिगार्डेड एज एनवायरमेंट फ्रेंडली, सो ऑप्शन फोर है राइट आंसर। रिंडरपेस्ट, रिंडरपेस्ट डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस, ऑप्शन थ्री है राइट आंसर। नेम द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिविंग प्लांट्स, जो होती हैं टाइनी पोर, छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट एक्ट बोथ एज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इज अ राइट आंसर, ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड कॉर्पस इन इज, कौन सा है, जो मोनोसाइट है इज द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल। नेक्स्ट है प्लांट दैट बिहेव्स एज अ रूट पैरासाइट, उन्हें क्या बोलते हैं, जो प्लांट दैट बिहेव एज अ रूट पैरासाइट उन्हें बोलते हैं कसकटा, ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज एंजाइम्स, और एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, ऑप्शन थ्री है इसका राइट आंसर, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के काम आते हैं। यीस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, यीस्ट किसका इम्पॉर्टेंट सोर्स है, विटामिन बी का ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट इज न्यूट्रिटिव टिश्यू इन द सीड्स ऑफ हायर प्लांट इज नोन एज, न्यूट्रिटिव टिश्यू इन द सीड ऑफ हायर प्लांट को क्या बोलते हैं, एम्ब्रो, न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म इसका राइट आंसर है, ऑप्शन थ्री है राइट आंसर एंडोस्पर्म। फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, अ सेल्युलोसिक वॉल इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ, किसके सेल्स में होती है, प्लांट्स के सेल्स में होती है, ऑप्शन फोर है इसका राइट आंसर। पेंडा बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज दैट ऑफ डियर, जो भालू की फैमिली से बिलोंग करता है। द कैजुअल
ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज, पोलियो किसकी वजह से होता है, फंगी वायरस बैक्टीरिया वॉर्म, जो पोलियो होता है वो वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट इज विंग्स ऑफ बर्ड आर, विंग्स ऑफ बर्ड क्या है, कि मॉडिफाइड हिंड लिम्स है, न्यू स्ट्रक्चर है, इंटेग्यूमेंट्री आउटग्रोथ है या मॉडिफाइड फोर लिम्स है। तो यहाँ पर आप देखते हो फोर लिम आपको दिखाए गए, ये ह्यूमन का हो गया, तो मैं ये कह सकता हूँ जो विंग्स ऑफ बर्ड्स हैं वो मॉडिफाइड फोर लिम्स हैं, ऑप्शन फोर है इसका राइट आंसर। विटलिंग ऑफ प्लांट अकर ड्यू टू एक्सेसिव विटलिंग ऑफ प्लांट, देखिए जो पौधे का बिना लकड़ी वाला पार्ट होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है, फॉर एग्जाम्पल जो फूल होता है, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है जिसपे फूल टिका होता है ये क्या हो जाता है, एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन की वजह से डल हो जाता है, इसकी जो स्ट्रेंथ खत्म हो जाए, दैट इज विटलिंग। तो मैं ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर है, ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट इज हेप्टन्स आर, हेप्टन क्या है, हेप्टन इनकम्प्लीट एंटीजन्स है, मैं कह सकता हूँ ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट इज थायामिडाइन डाइमर फॉर्मेशन इन डीएनए इज कॉज्ड बाय, थायामिडाइन डाइमर फॉर्मेशन इन डीएनए इज कॉज्ड बाय यूवी रेज, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। विच बैक्टीरियल स्ट्रेन डेवलप्ड फ्रॉम नेचुरल आइसोलेट्स बाय जेनेटिक मैनिपुलेशन कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटिंग ऑयल स्पिल, ऑयल स्पिल को ट्रीट करने के लिए, दैट इज नाइट्रोसोमो, ऑप्शन फोर है इसका राइट आंसर, नाइट्रोसोमो। नाइट्रोसोमोनस इज अ जीनस ऑफ ग्राम नेगेटिव रोड शेप्ड कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। एड्स वायरस डिस्ट्रॉय, एड्स वायरस क्या करता है, जो हमारे लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है, टी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्टेबल करने के काम आता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस थ्रू विच एक्सेस ऑफ लाइट एनर्जी इज डिसिपेटेड इन फोटोसिंथेसिस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्वेंचिंग, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट पिगमेंट अब्सॉर्ब इन रेड एंड फार रेड रीजन ऑफ लाइट, कौन सा होता है, दैट इज फाइटोक्रोम, ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर, फाइटोक्रोम। नेक्स्ट है सिग्मोइड कॉलोन इज पार्ट ऑफ, सिग्मोइड कॉलोन जो पार्ट होता है हमारी बॉडी में किसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनल कैनाल, इलियम, जो पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ऑप्शन थ्री है इसका राइट आंसर। द टाइप ऑफ टेल फाउंड इन शार्क, दो टाइप की टेल होती है यहाँ पर, देखिए होमोसेरिकल, सर्कल होती है जो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो, जिसकी शेप पूरी आइडेंटिकल होती है, अपर लोब और नीचे का जो लोब होता है उनकी, बट जो हेट्रोसीरल टेल होती है यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंस है अपर लोब में और लोअर लोब में। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो शार्क की होती है वो होती है हेट्रोसीरिकल, ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर। टीथ एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम, किससे इनको रिजिडिटी मिलती है, कैल्शियम से मिलती है, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, कैल्शियम। कर्क्यूमिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम, कर्क्यूमिन किससे आइसोलेट किया जाता है, टर्मरिक, ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर। कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन, जो कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड है वो मेल कॉकरोच में पाई जाती है, ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर, मेल कॉकरोच। विच वन ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स इज डिवॉइड ऑफ लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, सी हॉर्स इज राइट आंसर, ऑप्शन थ्री है इसका राइट आंसर। विच वन ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वेलोइंग एंड वॉमिटिंग, जो ह्यूमन ब्रेन का पार्ट जो रेगुलेट करता है स्वेलिंग और वॉमिटिंग को, वो है मेडुला ऑब्लोंगाटा। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर विच हेल्प इन न्यूट्रिशन ऑफ द एम्ब्रियो, उसे क्या बोला जाता है, योक सैक, योक सैक, ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर। रेस्पिरेशन इज रिगार्डेड एज, रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। नेक्स्ट इज एम्बिएंट एयर इज स्टेबल व्हेन द एम्बिएंट लैप्स रेट इज, व्हेन द एम्बिएंस लैप्स रेट इज सब एडियाबेटिक, ऑप्शन थ्री है इसका राइट आंसर, सब एडियाबेटिक। नेक्स्ट इज एडियाबेटिक लैप्स रेट की डेफिनेशन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एडियाबेटिक लैप्स रेट इज अ रेट एट विच द टेम्परेचर ऑफ एन एयर पार्सल चेंज इन रिस्पॉन्स, किसके, टू द कंप्रेशन और एक्सपेंशन एसोसिएटेड विद एलिवेशन चेंज इज नोन एज एडियाबेटिक लैप्स रेट।
नेक्स्ट इज रिलीज ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग इनटू पॉन्ड्स एंड वेल्स हेल्प्स इन कंट्रोलिंग मॉस्किटो, जो गैम्बुसिया फिश होती है उसको छोड़ देते हैं, लार्वा खा जाती है वो मच्छरों के। सो दैट्स वाई ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी चैम्बर्स डज अ मैमेलियन हार्ट हैव, फोर चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट इज लीच इज एन एक्टो पैरासाइट ऑन कैटल विच इज, क्या है, सेंगुइनी वोरस है, खून पीती है लीच, इज अ थ्री ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट इज ब्लड डजंट कोएगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हमारी बॉडी में ब्लड नहीं जमता, फ्लो करता रहता है हेपरिन की वजह से, ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। एंड एंटीजन इज द स्टिमुलस फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ऑप्शन थ्री है इसका राइट आंसर। अ मॉलिक्यूल इन प्लांट्स कंपेरेबल टू हीमोग्लोबिन इन एनिमल्स इज, जैसे एनिमल में हीमोग्लोबिन होता है तो प्लांट में क्या होता है, क्लोरोफिल, ऑप्शन थ्री है इसका राइट आंसर, क्लोरोफिल। इन प्लांट वाटर रिलेशनशिप सिंबल वाई डब्ल्यू इज यूज टू रिप्रेजेंट, प्लांट वाटर रिलेशनशिप में वाई डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है वाटर पोटेंशियल, ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर। द स्किन बाइटिंग मॉस्किटो लेग्स हैज लोकोमेट्री ऑर्गन विच आर, जो लेग्स के कितने पेयर होते हैं जो हमारी स्किन पे मच्छर काटते हैं, दे कंटेन थ्री पेयर, ऑप्शन टू इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज प्लांट विथ 30 सेंटीमीटर और मोर सर्कमफ्रेंस फ्रॉम ह्यूमन चेस्ट हेट इज आइडेंटिफाइड एज मेडिसिनल हर्ब, ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर। Approximate lifespan of parrot is 20 year. Option 1 है इसका right answer. But some of special species of parrot that can live approximately 80 years. Next is cholesterol is absent in. Cholesterol जो upset होता है groundnut oil, option 1 is the right answer. Next is jaundice is a disease which affect. जॉन्डिस इज अ डिसीज विच इफेक्ट, किसको इफेक्ट करता है, हमारे लिवर को इफेक्ट करता है, ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर। प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय, प्रोटीन जो डाइजेस्ट होते हैं किसकी वजह से, प्रोटीएसिस की वजह से, ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर। एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी मॉड्यूलेटेड बाय चेंज ऑफ, एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी मॉड्यूलेटेड बाय चेंज ऑफ पीएच। Exobiology is a science that deal with the life in outer space. Option 3 is the right answer. Entomology is the study of insect. Option 2 hai iska right answer. The fasting blood glucose level in adult in milligram per 100 milliliter is, that is 100. Option 3 hai iska right answer, jo normal mana jata hai 80 se leke 120 tak ka. नेक्स्ट इज व्हाट इज नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन ह्यूमन अडल्ट, लगभग 5 लीटर मैं कह सकता हूँ नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम होती है, सो इसका ऑप्शन 3 है राइट आंसर। सीट ऑफ इंटेलिजेंस इज सिचुएटेड इन, सीट ऑफ इंटेलिजेंट किस में होती है, सेरेबिलियम में होती है, ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसका मैंने एक के लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने यहाँ पे जितने भी ब्रेन के पार्ट दिखाए गए हैं सबके क्या क्या फंक्शन है ये मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, उससे हर बार प्रश्न आता है हर एग्जाम में। विच वन ऑफ फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज सिचुएटेड इन नेक, कौन सी गर्दन में होती है अभी एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज थायरॉयड होती है, ऑप्शन 2 है राइट आंसर। ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड डिजास्टर विच इज सोशली इंड्यूस्ड, दैट इज आर्सन, आगजनी करना। नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो अब एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। ह्यूमन एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस 1972 वाज हेल्ड एट, कहाँ पर हुई थी, स्टॉकहोम में हुई थी 1972 की जो ह्यूमन एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस थी, ऑप्शन 1 है इसका राइट आंसर। एयर क्वालिटी डिपिक्टिंग PM2.5 इज मोर हैजर्डस टू, इसके लिए ज़्यादा हानिकारक होगी यदि एयर में पीएम की वैल्यू आपकी 2.5 आ रही है, तो वो जो ओल्ड मैन और वुमेन हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए ऑप्शन 4 है इज द राइट आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एंडेमिक स्पीशीज, कौन सी इनमें से एंडेमिक स्पीशीज है ये आपको बताना है। हॉर्नबिल इज द राइट आंसर, इज एन एंडेमिक स्पीशीज। नेक्स्ट इज ट्रांसबाउंड्री पॉल्यूशन एसिड रेन इज कॉज्ड बाय,
तो ऐसे ड्रेन किसकी वजह से होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हार्मोन यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। जो हार्मोन यूज किया जाता है ऐसा ओरल, हम उसको ले सकते हैं, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। ब्लड इज अ, ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। डिसीज दैट हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड इज स्मॉल पॉक्स। हाइपोथर्मिया अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ एक्सेसिव हीट फ्रॉम बॉडी ड्यू टू सडन लो बॉडी टेम्परेचर। इन जो हम ह्यूमंस होते हैं तो उसमें यदि ज्यादा मात्रा में हीट बॉडी से निकल जाती है तो कंडीशन हाइपोथर्मिया आ जाती है, ऑप्शन टू इज राइट आंसर, ह्यूमन बींग। नेक्स्ट इज पिक आउट द करेक्ट मैचेस। फ्लैशी फूड्स कैल्शियम एंड प्रोटीन। फैशी फूड में नहीं होता भाई कैल्शियम एंड प्रोटीन। फिश में स्टार्च और विटामिन नहीं। मिल्क में फाइबर एंड मिनरल नहीं मिलेंगे। एग योक में प्रोटीन और फैट आपको भरपूर मात्रा में मिलता है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो मैच है दैट इज ऑप्शन फोर। एसेप्टेबल नॉइस पोल्यूशन लेवल इन इंडिया रेंज बिटवीन। जो एसेप्टेबल नॉइस पोल्यूशन लेवल है दैट इज 40 to 45 decibel। नेक्स्ट इज पार्ट जो आपका आएगा वो मैं जल्दी लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा इस पार्ट को लाइक कीजिए और ज्यादा से शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस सीरीज से अभी तक जुड़े हुए हैं शुक्रिया आप सभी का। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।